दोस्तों अक्सर परीक्षाओं में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोजकर्ताओं के नाम आते रहते हैं, तो हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इनकी खोजकर्ताओं के वैज्ञानिक कौन हैं। तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट विधि लाए हैं जिससे आप इनकी खोजकर्ताओं को हमेशा एक शॉर्ट ट्रिक से याद रखने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नाम है आकाश, चलिए देखते हैं वो शॉर्टकट विधि क्या है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम आपके सामने एक ऐसी ट्रिक पेश करने जा रहे हैं जिसमें अक्सर सभी को कन्फ्यूजन होता है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम अक्सर सभी परीक्षाओं में आते रहते हैं, और हम अक्सर इन तीनों खोजकर्ताओं के बारे में कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन से वैज्ञानिक ने किसकी खोज की है। तो चलिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन आज हम आपके सामने पेश करते हैं और आपका कन्फ्यूजन दूर करते हैं कि कौन से कण की खोज किसने की है। दोस्तों इससे पहले हम आपको ट्रिक के बारे में बताएं, उससे पहले हम परमाणु के बारे में छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे कि आपको पता चले कि ये कण क्या होता है। तो देखते हैं हम परमाणु क्या है। परमाणु वे सूक्ष्मतम कण हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं। परमाणु मुख्यतः तीन मूल कणों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चलिए दोस्तों हम याद करने की ट्रिक को बताते हैं। जीके की ट्रिक है ईंट पर नाच। अब ई और टा, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टा फॉर टॉमसन। अब दूसरा देखते हैं हम पर, पा फॉर प्रोटॉन, रा फॉर रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट हैं जिसने प्रोटॉन की खोज की थी। और नाच, ना फॉर न्यूट्रॉन, और खोज करता है चैंडविक। तो दोस्तों यह थी वो जीके ट्रिक, आपको याद करने के लिए एकदम शॉर्टकट ट्रिक है। आप सिर्फ इतना याद रखिए, ईंट पर नाच, ई फॉर इलेक्ट्रॉन टॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैंडविक। इसका कुछ एक पॉइंट आता है निकल के दोस्तों, जिसमें हमें कुछ याद रखना पड़ता है कि किसी किसी पुस्तक में प्रोटॉन की खोजकर्ता रदरफोर्ड की जगह गोल्डस्टीन को दिया गया है। आप इनका भी नाम याद रख लीजिए। तो ये थी जीके ट्रिक जिसमें हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को याद रखने की शॉर्टकट विधि के बारे में जाना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम कुछ और ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिससे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।